दिखाएगा जनाब, देखेंगे जो ये अभियान चल रहा है, जो ये प्रोग्राम चल रहा है, मिशन प्रोग्राम जो इन्होंने शुरू किया 2000, उससे पहले निर्मल भारत अभियान शुरू किया था 2009 में, और उसके भी ये जो फेलियर थे, उसके बाद एक टारगेट रखा 2014 में, जो उसमें जो उस वक्त के ब्यूरोक्रेट आयर थे, तो उन्होंने उसको स्टार्ट किया, और उसके बाद उसका जो टारगेट रखा है 2019, तो उसमें भी जो इनका फेज़ वन फिर आया, तो फेलियर्स ये कंप्लीट नहीं किया। जहाँ पे सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग में जो शौचालय, आप देखिए उसकी हालत, या तो वो टूटे हुए हैं या उसको कोई सफाई, हाँ मैं मानता हूँ सफाई के कर्मचारी हैं, वो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं उस शौचालय में जाता हूँ, क्या मैं उसको ऑन करता हूँ? नहीं करता हूँ। ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वो सीधे नालियों में चला जाता है और फिर हमारे जाले में चला जाता है, आरपति में जाता है या किसी नाले में चला जाता है। क्या उसके लिए उन्होंने मतलब ट्रंचेस बनाए? नहीं बनाए हैं। और जहाँ तक आपने छिड़ी बात अभियान की, सफाई के अभियान की, तो ये इट इज़ रनिंग थ्रू अ पॉलिसी फेलियर, और एक पैरालिसिस हुई है इसमें, तो इसको ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे। और आज ही का दिन, जो गांधी जी का दिन, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ ए सिंबल ऑफ ए पर्सन जिसने हमेशा जो क्या कहते हैं इसको, मजहबी रवादारी की बात की, आपसी मेल मिलाप की बात की, सफाई की बात की, मन की सफाई की बात की, तन की सफाई की बात की, लेकिन ये उसके परे जा रहा है। और इस दिन को चुनना कि गांधी जी का जो मिशन है, जो उनकी बात है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ये सरीहन उनके जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के खिलाफ जा रहा है। तो मेरे कहने का मकसद क्या, एक शायर ने खूब कहा है, दोपुई नुंदरेश फटर कर तर बनाउस द्र जिरातस की, जो आप जो नफ़रत की तलवार लेके, उस नफ़रत की तलवार को आपको तोड़ना पड़ेगा, और वरना ये ऐसे नहीं चलेगा जो आप अभियान चला रहे हैं। ये अभियान तभी कामयाब हो जब आप सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, और उन साथ सब लोगों को एक सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ बिलोंगिंग देंगे, तभी ये मिशन कामयाब होगा, वरना ये फेल हो जाएगा।
सफाई जो है इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी है और अपने आस पड़ोस को साफ़ रखना इंसान की अव्वलिन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। और ख़ासकर अगर बात करेंगे यहाँ हुकूमत की, तो हुकूमत जो पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत अभियान चला रही है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पे, या इसके बगैर भी जो तशहीरात होती रहती है कि सफाई इसका ख्याल रखा जाए, सफाई के लिए इकदाम उठाए जाए, लेकिन अगर ज़मीनी हकाइक देखेंगे तो ज़मीनी हकाइक कुछ और ही बयान करती है। क्योंकि अगर हम सरकारी दफातरों का देखेंगे या म्यूनसिपल हुकाम का देखेंगे तो पहले वही लापरवाही का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर अंतरा की बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चाहे बात करेंगे हम रिवर बैंक्स की या जो टूरिज्म प्लेसेस पे जो इलाके आते हैं वहाँ पे जो डंपिंग साइट्स यहाँ पे क्रिएट की जाती है, लेकिन ज़मीनी हकाइक कुछ और ही नज़र आते हैं। खाली ये इसी दिन पर महदूद रहता है या तशहीर तक ही महदूद रहता है, बाकी जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो अमली जामा पहनाना चाहिए था इन कामों को, वो कहीं पर नज़र नहीं आता है। अगर हर और हम नज़र घुमाएंगे तो काफ़ी गंद नज़र आती है, लेकिन ये तशहीरी प्रोग्राम और ये गांधी जयंती के दिन पे झाड़ू उठाना, इससे माहौल जो है साफ़ नहीं रहेगा। बल्कि सरकार हुकूमत को भी ये चाहिए था, म्यूनसिपल हुकाम को भी ये चाहिए था और साथ ही साथ लोगों को भी चाहिए था सफाई का ख्याल रखने के लिए। साल के 365 दिन ये ऐसा ही काम चलता रहे। हुकूमत पिछले कई सालों से ये दावा कर रही है कि प्लास्टिक या पॉलीथीन बैनर्स पर जो है बैन लगाया जाए, लेकिन वो भी सिर्फ तशहीर तक ही मुनहदम है। क्योंकि अगर हम देखेंगे बाज़ारों की तरफ रुख करेंगे या पार्कस में देखेंगे जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं, कहीं पे भी कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती है, तो हर ओर जो है पॉलीथीन का बेतहाशा इस्तेमाल नज़र आता है। क्योंकि माहौल को साफ रखने के लिए जब तक इन चीज़ों पे पाबंदी मुकम्मल तौर पे आयद नहीं हो जाएगी, तब तक हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रख सकेंगे।